जिस पर हम बैठे हैं, जिस पर हम बैठे हैं इसको क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा। इसको कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको कोई राष्ट्रपति की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको कोई आमदार या खासदार की कुर्सी तो नहीं कहता, इसको क्या कहते हैं? व्यास पीठ। काय के लिए मिली है ये? अगर कोई व्यास वक्ता इस पीठ पर बैठे तो वो क्या करने के लिए बैठा? इस पीठ पर बैठा है वो भगवान की चर्चा करने के लिए, जनमानस को प्रेरणा देने के लिए, और जनमानस को मंदिर शिवालय देवालय से जोड़ने के लिए बैठा। इस व्यासपीठ की गरिमा यह है कि इस व्यासपीठ से एक भी शब्द निंदा का ना निकले, किसी के लिए अपशब्द ना निकले। और मेरी परतवाड़ा की जीजियों, आपसे कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि इस व्यासपीठ पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से जब भी आते हैं तो माता सरस्वती से कहकर आते हैं, माँ ऐसी कृपा करना, इस कंठ से कोई ऐसी वाणी ना निकलवाना कि किसी के दिल को चोट पहुंच जाए, किसी के हृदय को चोट पहुंचे, ऐसी वाणी नहीं चाहिए। किसी की निंदा इस व्यासपीठ से ना निकले। किसी व्यक्ति विशेष के नाम से कोई शब्द, कोई निंदा इस व्यासपीठ से ना निकले, इस गादी से ना निकले। कारण, निंदा का प्रतीक, निंदा का फल क्या है, निंदा का पाप क्या है, ये हमारे शास्त्र कहते आए। एक राजा ने एक भंडारा करा, ब्राह्मण भोज करा, सबको बुलाया, संत महात्मा गुरुजन सब भोजन करने के लिए आए। सब भोजन बन रहा था, खुले में एक चील उड़ी, उसने सांप पकड़ा, सांप लेकर उड़ी, सांप ने विष उगला, वो विष खीर में जाकर गिर गया। खीर में विष गिर गया। ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, संत भोजन कर रहे थे, गुरुजन भोजन कर रहे थे, और सारे ब्राह्मण, सारे संत, सारे गुरु उस खीर को खाने के बाद मर गए। जितने भोजन कर रहे सब मर गए। धर्मराज के यहां सभा लग गई, चित्रगुप्त महाराज बैठे। चित्रगुप्त महाराज ने धर्मराज से पूछा, बताइए इतने सारे ब्राह्मण और संत मरे हैं, इसका पाप किसके माथे पर देना, इसका पाप किसके पल्लू में बांधना है? इतने ब्राह्मण इतने संत मरे, इसका पाप किसके माथे पर दिया जाए? राजा के माथे पर, जिसने ब्राह्मण संत भोज रखा, उस सर्प के माथे पर जिसने अपना विष उगल दिया, उस चील के माथे पर जो सर्प लेकर जा रही थी, जो भोजन बना रहा है उसके माथे पर, इतने सारे ब्राह्मण संतों के मरने का पाप किसके माथे पर दिया जाए? बोलो धर्मराज, बताइए, मैं किताब लेकर बैठा हूं, मुझे इसमें निर्णय देना है, आप बताओ किसके माथे पर दिया जाए? धर्मराज ने कहा, चार दिन रुक जाओ, उसके बाद में निर्णय लेंगे कि इसका पाप किसके माथे पर दिया जाए। चार दिन निकले, राजा के नगर में चार पांच संत ब्राह्मण और आ गए। उन्होंने एक स्त्री से पूछा, माताजी राजा का भवन कहाँ है? स्त्री ने पूछा, क्यों? हमें भूख लगी है तो राजा के भवन में हम भोजन करेंगे। स्त्री ने कहा, बाबा सामने राजा का भवन है, परंतु हमारे यहाँ का राजा ऐसा है कि भोजन में जहर मिलवाकर ब्राह्मण संतों को मार डालता है, ऐसा खोल्ला राजा है हमारे यहाँ का, ऐसा बेकार राजा है हमारे यहाँ का। संत ब्राह्मण वापिस लौट गए। धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और बुलाकर कहा, जो ब्राह्मण और संत मरे थे उनके मरने का पाप इस स्त्री के माथे पर डाल दिया, उनके मरने का पाप इस स्त्री के माथे पर डाल दिया जाए।
क्योंकि इसने निंदा करी है। ये निंदा कर रही है, एक छोटी सी निंदा सामने वाले के पाप को हमारे माथे पर चढ़ा देती है। शिव मंदिर में जाना, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, देवाधिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, शिव के दरवाजे पर अगर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास अगर जाना, तो ये प्रयास कर कर जाना कि मैं शंकर के मंदिर में जब तक रहूं, मैं शंकर के मंदिर में जाऊं और आऊं, तब तक मेरे मुख से भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि किसी की निंदा ना निकल जाए, किसी की निंदा मेरे मुख से ना, किसी की निंदा ना निकल। बन सके तो हमसे भजन बने। आप अपने घर से लोटा भरकर जब जल लेकर निकलो ना, तो जल लेकर निकलो तो मुख से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। जब आप निकले अपने घर से भगवान का मंत्र जाप करते हुए चले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चले, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलते हुए चलिए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए चलिए, भगवान का भजन गुनगुनाते हुए चलिए, ये मत सोचना कि कौन हमको देख रहा है कौन हमको नहीं देख रहा। आपकी चित्त वृत्ति को आप जितना शंकर से जोड़कर चलोगे, उतने आपकी जिंदगी की एक आनंद उत्पन्न हो जाए, अपने जीवन का एक सुख उत्पन्न हो जाए। अपने भजन के बल को बढ़ाइए, अपने भाव को बढ़ाइए, अपने भाव। कल हमने हमारे साथ में माननीय प्रकाश जी के साले जी, अभी हमको कृष्ण की भूमि का वो निभा रहे हैं, रथ के सारथी बनकर लाना ले जाने का कार्य कर रहे हैं। कल हमने उनसे पूछा, इतना तेज गर्मी पड़ रहा है और कई लोगों को खाना पीना भी होता है, पानी भी पीना होता है, 10 जगह का जल भी आता है, भोजन भी आता है, कोई पेट गड़बड़ हो रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए क्या प्रयोजन है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे यहाँ के परहतवाड़ा के जो विधायक महोदय हैं, बच्चू भैया ऐसा कुछ नाम उन्होंने बताया था, श्री बच्चू जी कुडू, कहा गुरुजी एक अस्थाई हॉस्पिटल बनाया गया हमारे कथास्थल के आसपास में, जिससे लोगों का इलाज हो सके। मैं माननीय विधायक महोदय बच्चू भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने ये व्यवस्था की, साधुता है। बताया कि कुछ बसें भी चलवाई जिससे निशुल्क लोग जाना आना कर रहे हैं, हम उनको बहुत साधुता देते हैं, बहुत साधुता। एक विधायक होने पर ऐसा निर्मल भाव अगर आपके अंदर शंकर जी के प्रति है, तो ये शिव की ही कृपा है और आपके माता पिता की कृपा है, साधुता। अपने भाव को शुद्ध बनाए, और जब तक अपना भाव शुद्ध नहीं होगा ना, भगवान नहीं मिलेगा। एक बड़ी सुंदर बात आती है, संत बनना सरल है पर सरल बनना कठिन है। मेरी जीजियों, संत कोई भी बन सकता है पर सरल नहीं बन पाता। ये कंठी काई के लिए पहनते हो, तुलसी की, जम के बोलो जरा, गले में तुलसी की कंठी काई के लिए पहनते हो, गले में रुद्राक्ष काई के लिए पहनते हो, गुरु जी से मंत्र काई के लिए लेते हो, गुरु दीक्षा काय के लिए लेते हो, बड़े बड़े अवधे पर जाकर बैठ जाए और आपने किसी गुरु से मंत्र लिया है, कंठी पहनी है, गले में अगर तुलसी की माला पहने हो, गले में अगर रुद्राक्ष की माला पहने हो,
कंठी का मतलब होता है कि अपने कंठ से किसी की निंदा ना निकले, कंठी का मतलब है अपने कंठ से किसी की बुराई ना निकले, कंठी का मतलब है अपने मुख से किसी के लिए अपशब्द ना निकले। तो समझ लो कि तुम किसी गुरु के चेले हो और तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारा वेद, तुम्हारा पुराण तुमको ये बता रहा है कि तुमने उस कंठी को धारण करा है, तुमने अपने कंठ को शुद्ध कर लिया। कंठी का मतलब केवल यह नहीं है कि हमने दिखावा कर दिया कि हमने अपने गुरु का मंत्र ले लिया। कंठी का मतलब यह नहीं है कि हमने दिखावा कर लिया और हम उस गुरु के चेले हो गए। ना, कंठी लेने का मतलब है कि कंठ से किसी के लिए अपशब्द ना निकले, कंठ से कोई आड़ी टेढ़ी बात ना निकले। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ऐसा कर्म क्यों करना? कंठ में कंठी पहने हो और मुख से निंदा कर रहे हो, कंठ में कंठी पहने हो और अपने मुख से आप अपशब्द कह रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं बनती। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, जिंदगी में एक बात याद रखना, जो फसल बोगे वही तुमको काटना। मंदिर काई के लिए जाते हो? जम के बोलो जरा जल्दी से, मंदिर काई के लिए जाते हो? भगवान को अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, भगवान से मांगने के लिए? चलो अच्छा, इसको अपन बाद में सुनेंगे, पहले ये बताओ जमीन किस किस के यहां पर है? खेती, खेती किस किस के पास में? हाथ उठाओ जरा, जमीन किस किस के पास में? चलो ठीक है, साधुता, भगवान आपकी और दो चार छह बीघा और आगे बढ़ा। बहुत अच्छी फसल हुई, शायद इधर फसल को पीक कहते हैं, क्या कहते हैं? पीक। बहुत अच्छी पीक हुई, बहुत अच्छी फसल हुई, ढेर सारी फसल हुई, ढेर सारी पीक हुई। उस फसल को कहां लेकर जाते हो फिर बाद में, जब बहुत सारी हो जाती है तो? चमके बोलो, मंडी। कहां ले जाते हो? मंडी। पीक बहुत अच्छी हुई, फसल बहुत सारी हुई, गेहूं बहुत हो गया, धान बहुत हो गया, सोयाबीन बहुत हो गया, कपास बहुत हो गया, जब फसल बहुत सारी हो गई तो हम इसको कहां लेकर गए? जम के बोलो, सब बोलो, कहां लेकर गए इसको? मंडी में लेकर गए। मंडी में ले जाकर हमने गाड़ी को उंडेल दिया, हमने गाड़ी को उंडेला, हमने गाड़ी को खाली कर। फसल ज्यादा हो गई, गेहूं ज्यादा हो गया तो मंडी ले गए, धान ज्यादा हो गया मंडी ले गए, कपास ज्यादा हो गया मंडी ले गए, तो हमने वहां ले जाकर दे दिया। बोलो सही है कि गलत है? सब बोलो जितने बैठे हो, सही है। गेहूं ज्यादा हो गया तो मंडी ले गए, कपास ज्यादा हो गया तो मंडी ले गए, धान ज्यादा हो गया मंडी ले गए, सोयाबीन ज्यादा हो गया मंडी ले गए, फसल ज्यादा हो गई तो मंडी ले गए, सब्जी ज्यादा हो गई तो मंडी ले गए। उसी तरह मंदिर क्यों जाते हैं? शिव पुराण कहते हैं जैसे फसल ज्यादा होती है तो मंडी ले जाई जाती है, पाप ज्यादा होता है तो महादेव के दरवाजे जाया जाता है। मंडी में जाकर फसल को खाली करा जाता है,
और मंदिर में रोज जब हम देव अधिदेव महादेव को लोटा भर के जल चढ़ाने जाते हैं ना, तुमको तो मालूम भी नहीं पड़ता हमारे ऊपर जो जो पाप चढ़ा हुआ होता है वो धीरे धीरे जल चढ़ाते चढ़ाते जब हम महादेव के सामने अपने शीश को झुकाते हैं तो जैसे ट्राली बैलगाड़ी जैसे फसल की गाड़ी खाली हो जाती है, जब हम महादेव के आगे शीश झुकाते हैं तो हमारे ऊपर का पाप भी खाली हो जाता है। पाप भी खाली। फसल ज्यादा हो गई हम उसको मंडी ले गए, कपास ज्यादा हो गया मंडी ले गए, सोयाबीन ज्यादा हो गया मंडी ले गए, गेहूं ज्यादा हो गया मंडी ले गए। निवेदन है जब बहुत, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पाप ना करता, सबके मुख से रोज झूठ निकलता, रोज सबके मुख से अपशब्द निकलता, हम कितना भी समझा दे तुमको तो भी तुम मुख से कुछ ना कुछ गाली निकल ही जाएगी, आड़ा टेढ़ा निकल ही जाएगा, हम कितना भी समझा, हम कितना भी बोल दे तुमको तुम फिर भी कहीं ना कहीं हमारी वाणी से निकल ही जाता, कली काल है ना, कलयुग है ना, हम कितना भी समझा लें तो भी निकल जाएगा। तो क्या करना है हमको, फसल को मंडी लेकर जाओ तो इस शरीर को कहां लेकर जाना है, मंदिर लेकर जाना। फसल मंडी में जाती है वहां खाली हो जाती है, ये शरीर जब देव अधिदेव महादेव के उस मंदिर में उस देवालय में उस शिवालय में जब जाता है तो ये पाप भी हमारा खाली हो जाता है। पाप और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, घर के भरोसे हूँ ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ ना परिवार के भरोसे हूँ, हम परमात्मा की भरोसे उसके आश्रित हो गए। इस मुख से निंदा ना निकले, इस मुख से अपशब्द ना निकले, कंठी पहनने के बाद कंठ से आड़ी टेढ़ी बात ना निकले, और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, जिभ्या पे शिव जी का प्यार लिखना, मेरी इस जिभ्या पर मेरी इस वाणी पर भगवान का नाम लिखना, अपशब्द ना लिखे, संत बनने के लिए सरल बनना पड़ेगा, शंकर भगवान के लिए शंकर भोले हैं इसलिए भोला बनना पड़ेगा, जो जैसा है ना उसके जैसा वैसा बनना पड़ता है। मेरी जीजियां बैठी हैं ना, जब ये बच्चे को भोजन कराती हैं ना, बूढ़े से बूढ़े लोग जब बच्चे के साथ खेलते हैं ना तो बच्चा बन जाते हैं, बोलो री जीजी सही बात है, और क्या उसकी मम्मी भी क्या तोतरी बोले क्या, नहीं, पर बच्चे के साथ में उसको तोतरा बोलना पड़ता ले, अब वो कितनी कितनी लीला करती है, वो कौआ आया कौआ आया कौआ आया कौआ आया,
फिर बच्चे को डराती भी, बच्चा अगर एकदम डरता है ना तो बाबा आया, बच्चा खूब रो रिया हो ना, खूब तेज रो रिया हो तो माँ क्या कह देती है एकदम, बोलो बोलो जम के बोलो बाबा आया, बच्चा एकदम डर जाता है, रोना अरे बोलो तो जम के बंद, थोड़ी देर के लिए देखेगा कहाँ आया, जब उसने देख लिया नहीं आया तो फिर माँ फिर चिल्लाती बाबा आया, बच्चा रोना बंद। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा रो रहा है और माँ कह देती है बाबा आया तो बच्चा रोना बंद कर देता है। संसार सागर में आप रो रहे हो और व्यास पीठ से सुन लो कि कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान आएंगे और तेरा दुख मिटा कर जाएंगे, समझ लेना बाबा आएगा और दुख मिटा कर जाएगा। रोना बंद। मेरे बाबा दया कर देना, रोना बंद। अब क्या रो, अब बाबा आ गया, बाबा आया, बच्चे ने रोना बंद करा। माँ को बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है, माँ को जैसा बूढ़ा व्यक्ति भी है ना तो बूढ़े के साथ बूढ़ा बनना पड़ता है, माता पिता को बच्चे के अनुकूल चलना पड़ता है। जैसा वो है उसके अनुकूल रहना पड़ेगा। तो क्या मां बच्ची है, क्या घर का बुजुर्ग बच्चा है, पर बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है। उसी तरह मेरे महादेव भोले हैं, मेरे महादेव भोले भाले हैं, इसलिए उनका नाम है भोले शंकर। तो हमको क्या बनना पड़ेगा, महादेव जैसा भोला बनना पड़ेगा। जब आप भोले बन जाएंगे महादेव आपके साथ हो जाएंगे, फिर आपका दुख महादेव का होगा, आपका दुख महादेव। एक पत्र है, प्रतिभा सतीश मसूरकार, मैं हीवरखेड़ तहसील तेलहारा जिला अकोला की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो। अच्छा आप हैं, श्री शिवाय नमस्तु, आ जाओ एक बिलपत्र ले जाना। मेरा नाम प्रतिभा सतीश मसूरकार है, मैं हीवरखेड़ तहसील तेलहारा जिला अकोला की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मुझे सोरायसिस की बीमारी थी, 13 साल से मेरे शरीर से खाल निकलती रहती थी, उसको कितना भी खुजा लो उसमें से खाल निकलती रहती थी, पूरे शरीर में खुजाल चलती रहती और सोरायसिस की बीमारी थी। 13 वर्ष से लगातार मैं इलाज डॉक्टरों का करवा रही थी, डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी मरते दम तक रहती है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये डॉक्टर ने कह दिया था। तब मैंने दवाई तो खा रही थी, टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और टीवी पर कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करती, उस जल को लाती पीती और अपने शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, जहां दवाइयां असर ना कर पाई, सोरायसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने मुझे 4 महीने में अच्छा कर दिया और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और मेरी बीमारी भी ठीक है। ये शिव तत्व, अब शरीर में मुझे वो बीमारी नहीं रही, शिव तत्वता शंकर हो भरी। एक माने एक लाइन लिखी है, देखिए, सो दीपिका सचिन राखोड़े पेंशन पूरा
परतवाड़ा की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर यह कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो सो दीपिका सचिन राखोड़े पेंशनपुरा परतवाड़ा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। परतवाड़ा की रहने वाली हूँ, मेरी लड़की खुशी सचिन राखोड़े 8 महीने की हुई तब से, जब वो 8 महीने की हुई तब से उसको एक गठान हो गई, और गठान डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका ऑपरेशन करना पड़े। अबे डॉक्टर सोनोग्राफी करवाए, जांच करवाई, जांच करने के बाद उसको ऑपरेशन का कह दिया। जब हमने ऑपरेशन का सुना तो हमने, बच्ची छोटी है जानकर ऑपरेशन कैसे कराते, हमने इतनी छोटी सी बच्ची का कैसे ऑपरेशन करा, तब हमने ऑपरेशन करने का मन से निकाल दिया, और हमारी पड़ोसन के कहने से हमने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाते वो जल लाकर अपनी बेटी को दे देते, बेटी की उम्र छोटी है और उसको ये गठान उसके बगल में हो गई। अब करें क्या गुरुदेव, 2.5 महीने तक हमने उस बच्ची को शंकर जी पे चढ़े हुए जल को पिलाते रहे, और एक दिन उस बच्ची के जो गठान थी वो अपने आप फूट गई, और फूटते से ही उसकी गांठ में जो सामान था वो सब बाहर निकल गया, और डॉक्टर के पास हम लेकर भागे तो डॉक्टर ने कहा ये तो कोई चमत्कार ही है जो तुम्हारी बेटी बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। सो दीपिका सचिन राठौड़े पेंशनपुरा परतवाड़ा की रहने वाली हूं, मेरा नाम बर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, आजा बेटा। शरीर पूरा ठीक हो गया, हाथ वगैरह पूरे शरीर का था। अब ठीक है ना शरीर? 13 वर्ष से सोरायसिस की बीमारी थी, पूरा शरीर खुजाते पूरे शरीर में थी, और देवाधिदेव महादेव ने आज पूरा शरीर बाबा की कृपा से ठीक हो गया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी पागे पसारे अपने हृदय से, लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। अब दिल से उसको एक लोटा जल चढ़ा, आप दिल से उससे निवेदन करो। वो बेटी ने एक लाइन अच्छी लिखी है, प्रतिभा सतीश मसूरकार हीवर खेड़ा तेलाहारा जिला अकोला, इन्होंने एक लाइन अच्छी लिखी है, मैं शिव जी के मंदिर में जाकर कहती थी कि बाबा मेरे भरोसे को टूटने मत दे, लाइन अच्छी है, मेरे भरोसे पर टूटने मत देना। और यदि भरोसा पक्का है ना, शंकर जी को रामचरितमानस में विश्वास कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास
मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, अगर आपका विश्वास पक्का है ना, अगर विश्वास पक्का है तो ये निश्चित है कि मेरा महादेव तुम्हारी झोली भरने में देरी नहीं करेगा, पक्का भरोसा दृढ़ी रखना, भरोसे को कम मत होने दो। और जो कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता, उनसे निवेदन करूंगा किसी कथा के पंडाल में बैठकर जब कुबेरेश्वर धाम से मेरा कुबेर भंडारी कथा वाचने के लिए आया हो, मेरा कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी जब कथा वाचने के लिए आए उस पंडाल में 7 दिन 5 दिन बैठकर विनती कर कर देखना, अगले पंडाल में तू खुद पत्र लेकर पहुंचेगी कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। उसे विनय करिए, अपने भीतर हम बहुत सारे वो जैसे कचरे की गाड़ी होती है, तो कचरे की गाड़ी में अगर कचरा भरा रहे तो कचरा सड़ता है, उससे गाड़ी भी जम के बोलो सड़ती है। अनाज की गाड़ी में अनाज भरा रहे तो अनाज सड़ जाता, अनाज सड़ा तो नीचे से गाड़ी सड़ जाती है। आपने जो अपने अंदर भर कर रखा है वो हमारे शरीर को सड़ा रहा है, आपने कपट भर के रखा है तो वो कपट हमारे शरीर को सड़ा रहा है, हाँ आपने गंदे विचार भर कर रखे हैं तो गंदे विचार हमको सड़ा रहा है, अहंकार भर के रखा है तो अहंकार हमको सड़ा रहा है। अपने भीतर जो हमने भरा, इसलिए कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, अनाज की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, बर्तन में पानी भरा है तो उसको खाली करना जरूरी है, वरना जंग लग जाएगी। प्लास्टिक की बाल्टी होगी तो बाल्टी चिकनी हो जाएगी, पानी भरा रहेगा तो उसमें कई जम जाएगी, इसलिए कपड़ा पानी में पड़ा रहेगा तो वो पानी में कपड़ा भी बेकार हो जाएगा। शास्त्र कहता है खाली करना जरूरी है, डब्बे में भरा है खाली करो, बाल्टी में भरा है खाली करो, कचरा भरा है खाली करो, अनाज भरा है खाली करो, कुएं में पानी भरा है कुएं को भी खाली करना जरूरी है, अगर कुआं खाली नहीं होगा तो पानी बदबू मारने लगेगा, कुएं को भी खाली करना जरूरी है। उसी तरह कुएं को खाली करना जरूरी है, तालाब को खाली करना जरूरी है, अनाज की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है। तो एक बात याद रखना, अपने दिल को भी महादेव के सामने कहकर खाली करना जरूरी है, खाली करो। ज्यादा दबा दबा कर रखोगे ना तो वो कहते हैं ना, ज्यादा दबा दबा के खाओगे तो दबा खाने जाओगे। अरे बोलो तो जम के, एक बार फिर से बोलो, दबा दबा कर खाओगे दवा खाने जाओगे। इसलिए शास्त्र कहता है 2 हिस्सा खाओ, 1 हिस्सा पानी के लिए रखो और 1 हिस्सा थोड़ी सांस लेने के लिए रख ले दम। परंतु व्यक्ति सोचता है बिस्कुट आ रहा है आन दो, पानी आ रहा है आन दो, कोल्ड ड्रिंक आ रहा है आन दो, कुरकुरे आ रहे आन दो, वेपर्स आ रहे आन दो, सब ले लेके रख लिया और पूरी कथा में कथा तो कम सुनी और दिन भर बैठी 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 बैठी, अब इतना खा लिया कि अब लोटा अब इतना खाया तो फिर अब विचार कर रही कहां से निकलूं। सारी जनता भरी पड़ी है,